मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसानी इन दिनों भारत में हैं और शेख मोहम्मद ने दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को देखा और उन्होंने भारतीय कला वास्तुकला संस्कृति को भी देखा। अक्षरधाम मंदिर में महंत स्वामी महाराज ने मोहम्मद बिन अब्दुल करीम का स्वागत किया। अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने मंदिर में संत से मुलाकात की। इस दौरान दोनों एक दूसरे से गले मिले। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने अक्षरधाम में होने वाले वाटर शो को भी देखा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को अपनी राष्ट्रीयता का पर गर्व है। अपनी विविधता के साथ ये देश सह अस्तित्व के लिए एक शानदार मॉडल है। और इससे पहले बीते 6 जुलाई को यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री महामहिम शेख नायान मुबारक अल नायान ने अपनी रॉयल मजलिस में बैठक की थी और अबूधाबी में बनने वाले बीएपीएस हिंदू मंदिर के स्वामी ब्रह्मविहारी दास से मुलाकात की थी और उनका जोरदार स्वागत भी किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं, बीते 6 जुलाई को यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री महामहिम शेख नायान मुबारक अल नायान ने अपने रॉयल मजलिस में बैठक की थी और अबूधाबी में बनने वाले बीएपीएस हिंदू मंदिर के स्वामी ब्रह्मविहारी दास से मुलाकात की थी और उनका जोरदार स्वागत भी हुआ था। पीएम मोदी 2 दिवसीय फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। यह पुरस्कार चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज का आयोजन किया था। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुटरोस खाली समेत अन्य शामिल हैं। फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला ये सम्मान उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2021 में भूटान के रुकू गयालपो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में